पीएम मोदी 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं, लेकिन उनके मंत्री मिशन 2019 पर ग्रहण लगाने में जुटे हैं। मोदी सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा कभी मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाते हैं तो कभी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वहीं एक और मंत्री गिरिराज सिंह तो बिहार के नवादा में हुए दंगे के आरोपियों से हमदर्दी पर आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अपराधियों के साथ फोटो खिंचवाना सियासी मजबूरी है, और क्या भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे मंत्री? इसलिए आज हम ताल ठोक के ये सवाल पूछ रहे हैं, मोदी के मिशन 2019 पर मंत्रियों का क्या ये ग्रहण है? लिंचिंग के दोषियों की जय जयकार से जीतेंगे 2019? पीएम मोदी की नसीहत क्या भूल गए हैं मंत्री? मुजरिमों से समझौते की सियासत पर रोक कब लगेगी? अपराधियों के साथ फोटो खिंचवाना सियासी मजबूरी है क्या? ताल ठोक के बहस की शुरुआत करें, उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। जब बेल मिला तो वो हमारे घर आए, मैंने उनको शुभकामनाएं दी, और जो आगे न्याय की प्रक्रिया है वो चलेगी और उसे चलने दीजिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। भारत सरकार का मंत्री उनको माला पहना रहा है, महिमा मंडित कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता घृणा की राजनीति को सशक्त कर रहा है, मजबूत कर रहा है, जिसके लिए इस देश में कोई जगह नहीं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जस्टिस नहीं, वो केवल अपने क्रिमिनल्स को बचाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत। वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। आपने आरोपित किया है वो कोई कोर्ट के द्वारा सजा युक्त नहीं है। आपने उन पर आरोप लगा करके जेल में बंद कर दिया, जो समाज में सामाजिक समरसता पैदा कर रहे थे। तो इस पर खास तौर पर बहस करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अभय दुबे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभय दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता AIMIM के और मीडिया में AIMIM का पक्ष रखते हैं। आलोक मेहता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है और पद्मश्री से सम्मानित है। बहुत बहुत स्वागत है आलोक सर आपका। राजीव रंजन जो कि प्रवक्ता हैं JDU के, इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल वर्क विषय में MA है, इकोलॉजी में PG डिप्लोमा भी इनके पास। राजकुमार भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पश्चिमी यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। विजय शंकर तिवारी हैं इस वक्त जो कि प्रवक्ता हैं VHP के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। यासिर जिलानी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सी पॉल सिंह पूर्व IPS पंजाब पुलिस के IG, वो भी हमारा साथ देंगे। सबसे पहले तिवारी जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। गिरिराज सिंह जिस वक्त मिलते हैं नवादा में जेल से उन लोगों के, वो जो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर दंगा फैलाने का इल्जाम है, दंगा फैलाने के मामले में वो दोषी हैं, उनमें बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी हैं। अगर एक केंद्रीय मंत्री सर किसी अपराधी से जिसके ऊपर इस तरीके के संगीन दोष लगे हैं उनसे मिलेगा तो उसका माल्यार्पण किया जाएगा? ये तो फिर कहीं ना कहीं अपराध को लेजिटिमेट करने वाली बात हो गई। आप लोग सीधा सीधे बात ये कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पीछे, लेकिन हम तो यहां पर इनका महिमा मंडन करेंगे। सचिन जी, उन्होंने गिरिराज जी की बात आपने सुनी होगी, गिरिराज जी ने कहा कि आरोपी हैं, आरोपी को अपराधी अगर घोषित करना है तो फिर बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। फिर तो सोनिया जी भी आ जाएंगी, श्रीमान राहुल जी भी आ जाएंगे, कार्तिक चिदंबरम भी आ जाएंगे, माननीय चिदंबरम भी आ जाएंगे, ऐसे बड़ी लिस्ट आ जाएगी जब आप
आरोपी को अपराधी घोषित करना शुरू कर देंगे। वो तो रोजमाला पहनते हैं, वो तो रोजमाला पहनते हैं। तिवारी जी कोर्ट करेगा ना, देखिए पुलिस ने अपना, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के तहत अपनी कार्रवाई की, पुलिस ने उसको डाला और आपने कार्ड यहाँ पर देखिए किस तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को दबाने की कोशिश हो रही है। सर अपराधी अपराधी है, दोषी दोषी है, दोष मुक्त होंगे बाहर आ जाएंगे, बेल होगी वैसे बाहर आ जाएंगे, कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। एक केंद्रीय मंत्री जाकर के मिल रहा है, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के सीधे तौर पर कहें तो ये भी तो हिंदू अपीजमेंट हुआ। मैं सचिन जी वही बात कह रहा हूँ कि अगर आरोपी को आप अपराधी मान लेंगे फिर तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो माला पहनने से वंचित रह जाएगी, माला पहनने से वंचित रह जाएगी, माला पहनने से वंचित रह जाएगी। तो इसलिए इसलिए एक मिनट देखो, अपराधी आप तो अगर आरोपी है तो अपराधी हो गया, मुझे सबसे कमेंट लेना है। फिर तो जैन सेना को भी लेजिटिमेट कर दीजिए, फिर तो वहां पर भी कह दीजिए कि अपराधियों का महिमा मंडन नहीं हो रहा था। वहां पे तो मौत की सजा में कन्विक्ट है ना सर, वहां पे भी तो महिमा मंडन हो रहा था, वहां पे भी तो शुभकामनाएं दी जा रही थी। वहां किस चीज की शुभकामनाएं दी जा रही थी? कौन सा ऐसा नेक काम करके आए थे, कौन सा ऐसा बड़ा काम करके आए थे? क्या ये बड़ा काम है कि मॉब लिंचिंग में एक विवादास्पद मीट होने के कारण किसी समुदाय विशेष को मार दिया था? देखो जो हिंदू हितों के लिए काम करते हैं, गौरक्षा का काम करते हैं, उनको वो निर्दोषों की हत्या करते हैं, बहुत समय से उनको बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र चलाया गया, पूरा षड्यंत्र चलाया गया। और मॉब लिंचिंग के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शंकर तिवारी जी प्रूव हुए, बताइए कोर्ट से प्रूव हुए। एक मिनट, जो कोर्ट की अवमानना मैं नहीं करता हूँ, अगर कोर्ट ने किसी को प्रूव किया है और वो हिंदू हितों के लिए गया है तो उससे बात करना पाप हो गया क्या? पब हो गया क्या? नहीं बात करनी चाहिए क्या? सीधा कहिए ना, तो सीधा कहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करें। अबे दुबे जी, तो फिर मैं क्या ये मानूं कि सब पार्टियां कहीं ना कहीं एक जैसी हैं? अगर यहां पर यह माना जाए कि अगर एक को भले वो अपराधी क्यों ना हो, मंच शेयर करना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, माल्यार्पण करना अगर सूट करता है क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, तो यही तमाम पार्टियां भी करती आई हैं। फिर तो जुनैद के ऊपर सियासी जो सियासत हुई थी, भले उसमें कांग्रेस थी या तमाम पार्टियां थी, वो सीट को लेकर के हुई थी, बीफ का नाम बना दिया गया था। जेएनयू का मसला सबके सामने सर, वहां पर कौन गया था और किस तरीके के नारे लग रहे थे, लेकिन वहां देशद्रोह के उनके ऊपर आरोप लगे थे। सचिन जी, बार बार जेएनयू की बात आती तो जेएनयू का सबसे बड़ा अपराधी दिल्ली में बैठी सरकार है जो अपराधियों को नहीं पकड़ रही और रोज प्रचारित करती है। क्या ये कन्विक्टेड नहीं है? इनको सजा दिए? यही भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट करिए इसके लिए, और 6 महीने से कम में उनको सजा दिला दी। वो तो सस्पेंशन है उनकी सजा का टेम्परेरी हाईकोर्ट से, जब तक वो मुकदमा वहां चलेगा। शर्म आनी चाहिए। आज इसीलिए एक पिता ने कहा कि वो जो ऑक्सफोर्ड से लिया हुआ डिग्री है, वो डिग्री जैन सिन्हा जी अफोर्ड नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के नागरिकों का व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया, इसलिए वो रोड पर आकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, संविधान की रक्षा और शपथ खाने वाला मंत्री उन कानून के अपराधियों को माला पहनाकर महिमा मंडित करेगा, तो इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात इस देश के लिए कुछ नहीं होती। वो झारखंड का एक सांसद, वो कहता है कि अपराधियों का मुकदमा लड़ने का पैसा मैं दूंगा। पुलिस अभिरक्षा में जाकर जयपुर में ये कहते हैं जिन्होंने हत्या कर दी कि तुम तो भगत सिंह से तुलना करते हो। जरा भी शर्माते हो आप तिवारी जी? आप काहे के हिंदू की रक्षार्थ निकले हो? आप तो सत्ता के हितों की रक्षा करते हो और देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हो। आप ही की सरकार ने स्पेशल कोर्ट की मांग की और प्रोसिक्यूशन ने क्या लिखा है पढ़िए जाकर उन लोगों के बारे में जिन्होंने चौराहे पर हत्या कर दी। कितनी हत्याएं रोज सत्ता की भूख में आप लोग करेंगे? मैं इन सवालों के साथ खड़ा हूं, ये सवाल उठता है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, हमने बीजेपी नेताओं को, प्रवक्ताओं को बकायदा बुलाया, बकायदा फोन किया कि आइए भैया, आपके नेता अगर इस तरीके से मिल रहे हैं, ये ठीक संदेश नहीं जा रहा है। क्या ये आप अपराध को, अपराधीकरण को कहीं ना कहीं लेजिटिमेट कर रहे हैं? लेकिन उस शो में उन्होंने अपना कोई प्रवक्ता नहीं भेजा, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन अबे दुबे जी, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, आपको आपने इतनी निष्पक्ष तरीके से, और साथ ही साथ अबे जी मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ये आपकी बातें भी सियासी इसलिए लगती हैं क्योंकि डबल स्टैंडर्ड तब हो जाते हैं जब अभी बटला हाउस हुआ
होता नहीं था उससे पहले कह दिया जाता है कि नहीं, डबल फर्जी थी सचिन जी। नहीं नहीं ये सियासी पार्टियों के अबे जी आपका कुछ नहीं, जब भी किसी अभी बटला हो सुआ नहीं था उसे फर्जी बता दिया जाता है, कहा जाता है कि सोनिया गांधी को बताया गया तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए, किसी राजनीतिक दल ने उन्हें बताया गया तो आंसू निकल गए, ओसामा ओसामा जी हो जाते हैं, साथ देने का दुस्साहस नहीं करना। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हर कोई एड्रेस करता रहा है, इसीलिए राजकुमार भाटी जी तभी तो फिर तो इसमें तो बहुत आसान है, तो बहुत तो ये तो फिर ऐसी वाली बात ही हो गई कि बच्चे हैं ना साहब, कोई बात नहीं मिली है तो क्या हो गया, गलती हो जाती है, ये तो अच्छा बेंचमार्क सेट किया, तो ये तो नेताजी ने सेट किया था सर। सचिन जी जबरन जो है अन्य अन्य प्रकार की बातों को जोड़ के आप इन्हें जस्टिफाई मत करिए और भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेशल पैकेज मत दीजिए बचने का। नेताजी ने खुद कहा था बच्चे, वो उसका इस मसला इस घटना से क्या संबंध है सर, या तो उसी पे डिबेट कर लें, होते हैं ना मैं उसी पे 10-20 मिनट बोल सकता हूं ना, उसी घटना पे उस बयान पे उस बयान पर मैं 10-20 मिनट बोल सकता हूं, अगर उसका इससे क्या संबंध, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाएगी कि अब अनुपस्थिति में आप उनका बचाव कर रहे हैं, नहीं नहीं इसका साफ कह रहा हूं मोदी जी के न्यू इंडिया की बात की जाएगी, पहले आप मुझे अगर मोदी जी की इस विषय पे अपनी बात करने लोगों को गुंडागर्दी की बात की जाएगी तो ये तस्वीरें भी आएंगी, मुझे इस विषय पे अपनी बात लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जब समाजवादी पार्टी की सियासत की भी बात होगी तो सर पीछे के बयानों को भी वो बच नहीं सकते, बयान का इससे कोई संबंध आएगा ही आएगा। राजकुमार मैं देखिए मॉब लिंचिंग के बारे में तीन तथ्य आपको बता दूं जो सच्चाई है। नंबर एक, मॉब लिंचिंग का शिकार हमेशा मुसलमान दलित या आदिवासी होते हैं 95% केसों में। नंबर दो, इनके जो अभियुक्त होते हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं। नंबर तीन, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री हमेशा मॉब लिंचिंग के अभियुक्तों की का समर्थन करते रहे हैं, उनका महिमामंडन करते रहे हैं, चाहे अखलाक की हत्या बिसाड़ा में हुई हो, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी ने जाकर जब वो जमानत पर आए थे उनका स्वागत किया था, उनके घर जाकर मिले, चाहे वहां का राजस्थान का मसला रहा हो, जो एक सिरफिरा आदमी जिसने बहुत विभत्स तरीके से, मुझे उसका नाम पता लेकिन मैं उसका गंदा नाम अपनी जुबान से लेना नहीं चाहता, एक मजदूर की हत्या की थी, उसका वीडियो बनाया और उस पर डाल दिया सोशल मीडिया पे, उसको रामनवमी के जलूस में बजरंग दल के लोगों ने उसकी झांकी निकाली, इस तरह की घटिया मानसिकता इन लोगों की है। और जयंत सिन्हा सजायाफ्ता लोगों को जिन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया था उनको माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। का धर्म तो फिर इनके यहाँ जो दंगों में शामिल होते हैं, मॉब लिंचिंग का धर्म तो फिर हर पार्टी ने खोज लिया ना, अगर मैं कह रहा हूँ फिर तो मुजफ्फरनगर के दंगे भी उस वक्त याद आते हैं, किसी धर्म की बात नहीं की, इल्जाम लगता है, मैंने धर्म की बात नहीं, मैंने कह रहा हूँ दलित और आदिवासी भी शिकार होते हैं, केवल मुसलमान शिकार नहीं होता, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा है, क्या हुआ पहले समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर इल्जाम लगता है, गुजरात में मुस्लिम दलितों को नंगा करके पीटा गया, कार से बांध के घसीटा गया, होती रही अब यहाँ पर हो रहा है, अब यहाँ हिंदू अपीजमेंट की बात, हरियाणा में क्या हुआ, ये और इनके यहाँ मॉब लिंचिंग के अपराधी और दंगों के अपराधी बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, मंत्री बनाया जाता है, पुलिस टिकट दिए जाते हैं, सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं, बिहार में आपकी सरकार है वहां पर एक केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं। अबे जी एक एक करके मैं सबसे कमेंट लूं फिर उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगा, अबे जी एक एक करके मैं सबसे कमेंट ले लूं फिर डिबेट को ओपन कर दूंगा। राजीव रंजन जी आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बनाते हैं, गिरिराज सिंह पहुंच जाते हैं कि देखिए हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार को निशाना साधते हैं, सीधे तौर पर अपीजमेंट की वो बात कर रहे हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बिहार में की जा रही है, उस बिहार में जिसकी साझा बीजेपी है, अगर केंद्रीय मंत्री पहुंच करके ऐसी कोई बात कह रहा है सर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, क्या टेक है? देखिए ये बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य है और अभी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आ चुका है, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी गिरिराज जी के बयान का संज्ञान लिया गया है और जिस तरह से उन्होंने अपराधियों से मुलाकात की है उसको लेकर पार्टी की कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी गई है। और आज जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने दो टूक एक बार फिर से दोहराया है कि वो सांप्रदायिकता अपराध और भ्रष्टाचार से कतई समझौता नहीं करेंगे, तो इसके निहितार्थ समझने की ज़रूरत है। एनडीए में हम पहले भी 17 वर्षों तक रहे हैं और उस समय भी नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस एक ऐसा अरेंजमेंट था जहां जिन बुनियादी सवालों पर हमारी असहमति थी उसका सम्मान एनडीए के बाकी कंस्टिट्यूएंट्स करते थे। आज अगर हमारे राज्य में इस तरह की अगर हरकत हुई है तो निश्चित तौर पर यह शर्मनाक आचरण है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी यानी कि सीधे तौर पर आप तो सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन असीम वकार साहब एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि कहीं ना कहीं ये तो फिर आपकी राह पर ही चल निकले, जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती थी AIMAM से, अब ये भी बीजेपी भी कोई अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाली अलग पार्टी तो नहीं रही, आज ये भी महिमामंडन कर रहे हैं माल्यार्पण कर रहे हैं, क्योंकि अगर कल से पहले मक्का मस्जिद केस और तमाम ब्लास्ट होते थे तब कोर्ट के ऊपर कई सवाल उठा करते थे, यानी कि सब हवा में सब बराबर है।
सर चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का था कब मुझे ये बता दीजिए, और जिस तरह से अभी आपने यहाँ दिखाया, मुझे तो जब मैंने इसको सुना कि जयंत सिन्हा ने उन सभी आरोपियों को जिन्होंने अलीमुद्दीन अंसारी का कत्ल किया, मॉब लिंचिंग की, घेर कर मारा, जिनको हिंदुस्तान की संविधान के दायरे में जो कानून थे उनके तहत रखते हुए न्यायालय ने सज़ा सुनाई, उन लोगों को जब जमानत पर आए उनको बरी तो नहीं किया गया, तो भारत सरकार के मंत्री जाकर माला पहना रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत पहले से एक बात कहते थे, आप लोग नहीं मानते थे मीडिया वाले, हम लोग पहले से कहते थे ये जो मॉब लिंचर हैं, जो गौ आतंकी हैं, ये दरअसल सरकारी कर्मचारी हैं मोदी जी के, ये भारत सरकार के कर्मचारी हो गए हैं इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जयंत सिन्हा ने जो कदम उठाया है, मैं पूरे यकीन से यह बात कह रहा हूँ कि जयंत सिन्हा तो एक छोटे से मंत्री हैं, इनकी हैसियत नहीं है ऐसा काम करने की, ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मर्जी से, उनकी इजाज़त से किया गया कदम है। और मुझे तो बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान का एक ऐसा चेहरा, काला चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा। अब आप ये बताइए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जब मोदी जी जाएंगे और वहाँ के लोग पूछेंगे कि हिंदुस्तान में जब लोग हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं और लोगों को घेर कर जान से मार देते हैं, तो हिंदुस्तान में आपके यहाँ क्या सज़ा दी जाती है, तो मैं समझता हूँ मोदी जी बड़े खुश होकर कहेंगे साहब हमारी क्या तो माला पहनाई जाती है, हम लोग मिठाई खिलाते हैं, हम लोग उनका स्वागत समारोह करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता, मुझे आपकी चिंता भी लगती, अगर आप मॉब लिंचिंग के नाम पर, आप कासिम को तो उठा लेते हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर जुनैद का जिक्र तो ले आते हैं, जिसकी सीट के ऊपर हत्या हुई थी, बीफ के ऊपर नहीं हुई थी, असम में जो मॉब लिंचिंग हुई उसमें हिंदू मारे गए थे, वहां धर्म भूल जाते हैं, वहां पर इसे सिर्फ मॉब लिंचिंग कह देते हैं, महाराष्ट्र के धुले में जब हुई थी जहां पर 5 मॉब लिंचिंग में मारे गए थे वो सब हिंदू थे, वो सब भूल जाते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं सर, जिस पार्टी को जो कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक लग रही है उसमें वो गुरेज ही नहीं कर रही, भले अपराधियों के साथ खड़ा होना हो, तो मैं तो सवाल सभी से पूछ रहा हूं, यासिर जिलानी बताइए इसे डिफेंड कैसे किया जा सकता है, वो भले किसी भी तरफ से हो रहा हो, वो भले किसी भी तरफ से हो रहा हो, बड़ा शुक्रिया आपका कि आप ठीक है, ठीक है। इसके बाद जब मैं डिबेट ओपन करूंगा असीम वकार, दोबारा आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास थोड़े से वक्त की कमी है। यासिर जिलानी कैसे इसे डिफेंड करेंगे, यही आप अलहदा रखते थे ना कि बाकी पार्टियों से हम जुदा है, यही जुदा है सर? देखिए नहीं 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 बिल्कुल, देखिए आप अभी आपने एक बाइट चलाई थी प्रधानमंत्री जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किस तरीके से क्लियर जो फ्रिंज एलिमेंट हैं समाज के उनके बारे में बोला है, लेकिन अगर एक आध उनके मंत्री उनकी नहीं सुनते तो क्या जिलानी जी? लगता है MIM और जो दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं, हाँ जी मोदी जी के मंत्री उनकी बात नहीं सुनते? मेरी बात भी सुनिए, मैंने तो आपको सुना, ठीक है अपना कमेंट पूरा कीजिए, फिर आप ऐसे ही करते हैं। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, आप भी तो इतिहास में जरा जाइए, 2008 यूपीए की सरकार, हिंदुस्तान के आप उन फिरकों से जाके पूछिए, हिंदुस्तान के हर शहर से आतंकवाद में मुलविस करके लोगों को उठाया जाता था, जेलों में भर दिया जाता था, और वो 10-10 साल के बाद जेलों से बाहर आए हैं, अब आ रहे हैं, तो पूछिए उन सरकारों से कि किस तरह का उन्होंने एक व्यवस्था बनाया हुआ था, किस तरह से उन लोगों ने एक आतंक फैला रखा था। आप आंकड़े के साथ 2008, आप लोग तो सब बुद्धिजीवी लोग बैठे, आपके पास आंकड़े मिल जाएंगे। यूपीए सरकार की कोई बात नहीं करेगा मॉब लिंचिंग किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से लेके और बिहार तक में हुई है, वो इसलिए बात नहीं करेंगे कि आपको अभी एक श्रीमान जी ने अपराध अभी तय नहीं हुआ है, उनको माला पहना दिया तो आप सवालों की झड़ियां लगा दी, आप व्यवस्था को समझने की सजा हो चुकी है, आप कह रहे हो इस तरीके से टारगेट करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है ठीक है, इसके बाद मैं डिबेट को ओपन करता हूं, लेकिन आलोक जी ये हो क्या रहा है, मोदी साहब बार बार आते हैं, पहले साल से वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, न्यू इंडिया की मैं बात करता हूं, 2019 से लेकर 2022 तक की मैं बात करता हूं, इंडिया को एक अलग एरा में लेकर के जाना है, लेकिन मॉब लिंचिंग जुड़ नहीं रही है, और उनके अपने मंत्री ही, अगर ऐसा नहीं है कि बेल पर वो छूटे हैं या ऐसा नहीं कि कन्विक्ट नहीं हुए हैं, अगर उनका माल्यार्पण करेंगे, उनका महिमा मंडन करेंगे, तो फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर तो उन्हीं के 2019 के सपने पर ही ग्रहण लगा रहे हैं उनके मंत्री। सचिन जी, हमारे पूरे इतिहास पुराण में क्या है कि भस्मासुर अपने ही पास जिनके ऊपर बरदहस्त रखा जाता है, मुझे लगता है कि सबसे बड़े भाजपा के या मोदी जी के दुश्मन यदि हो सकते हैं तो यही लोग हैं जो इस तरह का नुकसान करते हैं।
जिस तरह से ऐसे लोगों को, जिसको अभी जिलानी साहब को शायद पूरा जानकारी नहीं है, उन लोगों को सजा हो चुकी थी और संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री की सरकारों की तरफ से ही, मतलब सरकार कहीं की भी होती है वो संविधान की शपथ लेकर बनी होती है, बिल्कुल उस सरकार की मशीनरी ने ही केस को दर्ज किया। उसके बाद अदालत ने, वो किसी मेरे आपके कहने से वो अदालत ने फैसला नहीं दिया है, वो सरकार का पुलिस का किया हुआ दर्ज केस फैसला था। और इसलिए यदि वहाँ से सजा हो चुकी, उसका महिमा मंडन करना, किसी आतंकवादी का महिमा मंडन करना, उसको माला पहनाना, यदि वो वकील के माते जाते तो आप कह सकते थे कि राम जेठमलानी साहब तो आतंकवादियों को किसी के हत्या इंदिरा गांधी की है तब भी वो चले गए, मैं मान सकता, यदि वकील के नाते भी यदि कोई बात करते अलग बात है, लेकिन यहाँ तो वो माला पहना करके और उनका इस तरह से कर रहे ताकि अदालत को भी प्रभावित करें। अभी यदि आगे की जमानत 6 महीने बाद यदि उसका कुछ फैसला होना है तो ये एक तरह से हस्तक्षेप अदालत में है। दूसरी एक बात मैं जोड़ूंगा सचिन, चूंकि बहस आगे चलेगी, कि यशवंत सिन्हा जी को ये कहने का ज़्यादा हक इसलिए नहीं बनता, वो पिता पुत्र के नाते तो जो हक है वो जितना गाली दे सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, पिता हमारे यहाँ बड़े पूज्य होते हैं, वो भी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन उनको क्या हक है? बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उन्हीं लोगों को माला पहनाई जिनके ऊपर आरोप थे, तो इसलिए यशवंत सिन्हा जी कृपया न करें, यहाँ जो बैठे हैं या दूसरे लोग करें, मोदी जी आपत्ति करें, कुछ ऐसी समझ में आता है, लेकिन यशवंत सिन्हा के पास कोई हक नहीं है। कुछ ऐसा रहा है कि सिर्फ जो है जिसको जो सूट करता है वो वैसा ही हो जाता रहे। सी पॉल सिंह साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जाने से पहले, इससे पहले कि मैं अपनी डिबेट को ओपन करूं, एक 20 सेकंड का आपसे ये कमेंट, क्योंकि आप तो आईजी रह चुके हैं सर, इतनी बड़ी व्यवस्था से, इतने बड़े अपराध से आपने डील किया, आपको क्या लगता है कि जब तक पॉलिटिक्स रहेगा, पॉलिटिशियंस रहेंगे और अपराधियों के ब्लू वाइट बॉय ये रहेंगे, तब तक तो लगता है आपको अपराध खत्म हो सकता है? मैं तो समझता हूं कि ये जो घटना है जो हुआ है बहुत ही कंडेम इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपने जो लिंचिंग पहले हो रही है उसको एक तरह से आपने फिल्म दे दिया, कोई बात नहीं, उसको पहले हो रही थी, एक तरफ कहते हैं व्हाट्सएप देखो कौन करा रहा है क्या नहीं, दूसरी तरफ से आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको आपने फिल्म दे दिया। दूसरी साइड जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं लोअर लेवल के पीपल, उनको अब क्या मैसेज दे रहे हैं? लोअर लेवल, चलो हायर लेवल तो हम समझ जाएंगे क्या बात है, पर लोअर लेवल फंक्शनरीज को आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि जो अपराधी हैं जिनके खिलाफ आपने केस बनाया, उनको प्रोसिक्यूट किया, उनको सजा मिली, तो सब गलत था। वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने कसम ली हुई है वो आके उनको हार पहना रहे हैं, तो इसका असर मानसिक तौर पर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने सिंह साहब की, यानी कि ये तो सीधे तौर पर उसकी लेजिटिमेसी हो गई, आप सामने करके भले वो सांकेतिक तरीके से दिखा रहे हैं कि शुभकामनाएं, किस चीज की शुभकामनाएं, क्योंकि दंगे में इन्वॉल्व थे, किस चीज की शुभकामनाएं, इस चीज की शुभकामनाएं, ताकि आपने मॉब लिंचिंग करके एक व्यक्ति को घेर करके भीड़ ने पीट दिया और आपके ऊपर वो इल्जाम है, ना केवल वो साबित भी हुआ है कि आप उस हत्या में जुड़े हुए हैं, तो क्या इस चीज की शुभकामनाएं? ये जवाब शायद आज देते बन नहीं रहा है। फिर शंकर तिवारी जी कैसे इसे डिफेंड करेंगे, जिसका जिक्र यहां पर सिंह साहब कर रहे थे, क्यों ना यह मान लिया जाए कि मॉब लिंचिंग में अगर अलीमुद्दीन को मार दिया गया था और मौत की सजा यानी कि ऊपर मर्डर का इल्जाम साबित होता है, बेल से बाहर आते हैं, जनसेना से मिलते हैं, इसका मतलब तो यह सीधे तौर पर कि लेजिटिमेसी है। अब तक यह तलाशा जा रहा था कि इसका कोई पॉलिसी, इसकी कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन यह साफ मान लिया जाए कि हाँ इसके पीछे आपका मौन समर्थन। सचिन जी, हम चर्चा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मरने वाला मुसलमान था और आरोपी हिंदू है और मिलने वाले हिंदू नेता हैं, केवल इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि जब एक आतंकवादी सजा याफ्ता आतंकवादी जिसको फांसी करार दे दी गई है, कौन सी पार्टी ऐसी थी जो सेकुलर मानती है, जो सेकुलर, एक मिनट अभेजी, आपकी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ओवैसी जी की पार्टी के नेता उसके समर्थन में खड़े थे, आपकी आपकी नेक थी उस आतंकवादी के समर्थन में खड़े थे, जो सजा याफ्ता था जिसको फांसी की सजा हो गई थी उसके साथ खड़े थे आप। और दूसरी बात सुनो, पश्चिम बंगाल में जब लिंचिंग होती है, ताजिकादी से लिंचिंग हो गई है, तब आपका ये मॉरल कहाँ चला जाता है? जब कर्नाटक में लिंचिंग होती है तब आपका मॉरल कहाँ चला जाता है? जब केरल में लिंचिंग होती है तब आपका मॉरल कहाँ चला जाता है? अगर लिंचिंग के विषय में देखना है एक दृष्टि से देखिए तब आपकी बात मानी जाएगी। हिंदू अगर उसके खिलाफ खड़े होना, कैसे हिंदुवादी आप मुझे बताइए, कौन हिंदू धर्म में लिखा है कि अपराधी और अराजक तत्वों को महिमा मंडन करने से हिंदू धर्म की मान्यता सिद्ध होगी? कितनी बेशर्मी है, शर्मसार कर दिया इस देश को आपने। आप जब से सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी,
तब से रामजादे हरामजादे। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री को शमशान और कब्रिस्तान, दिवाली और रमजान पर देश को लड़ाने की कुछ इच्छा करते हो, पूरी असहमति हो, ऐसा मानने कोई तैयार नहीं हो। नियोजित राजकुमार भाटी, जाहिर सी बात है, अगर अगर इनसे अपना डिफेंड करते नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ी लिस्ट आपकी है। नेताजी का बयान मैंने गुना दिया, याकूब मेमन का ये जिक्र कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती है रात को दो दो ढाई ढाई बजे तक, कोर्ट निकलवाई जाती है कि नहीं, कभी कुछ मानवाधिकार होते हैं, खोली जाए कोर्ट, तमाम चीजें की जाए, वो कहने के हम तो सिर्फ मिले थे। राजकुमार भाटी देखिए, बड़ा स्पष्ट और बिल्कुल शोर मचाए बिना मैं कहना चाहता हूँ, सभ्य समाज में कोई भी सभ्य व्यक्ति जो कानून में संविधान में विश्वास रखता है किसी भी मूव लिंचिंग का समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, किसी की भी सरकार में हो, उन्मादी भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वो दोषी भी हो, ज्यादातर तो निर्दोष मारे जाते हैं, लेकिन अगर वो दोषी भी है तो उसे सजा देने का काम कोर्ट का है, ना कि भीड़ का। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मोब लिंचिंग होती है ये अचानक से लोगों का मन तैयार नहीं हो जाता चलो इसे मार दें, इसके लिए धीरे 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 एक माइंड मेकअप किया जाता है और वो करते हैं हमारे नेता। और ये एडीआर की रिपोर्ट है, आपने सुना होगा, नेता में तो फिर सब है, एडीआर की नहीं सब नहीं है, उसी का जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब। नेता में तो समाजवादी पार्टी भी है, नेता में तो फिर कांग्रेस भी है, नेता में भी हिंदू है, समाजवादी पार्टी का कहीं कोई सबूत आपके पास हो तो मेरे सामने रखना, मैं बताता हूँ। एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर एक स्वतंत्र संस्था है, सम्मानित संस्था है, एक समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और कोई माननीय करते हैं, सुन तो लें आप, माननीय मोदी जी के शासनकाल में हेट स्पीच 500% बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों और 17 विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज हैं। ये जो हेट स्पीच जो भाषणों में ये कहते हैं, अरे हमारी माता गाय को ये खाते हैं, उसे काटते हैं, तो राजकुमार भाटी बात हो जाती है ना, नहीं ठीक है, यासर जिलानी पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, अमित शाह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यासर जिलानी तब ये कहां चुप रह जाते हैं जब एआईएमएम में वहां पर ओवैसी औरंगाबाद में खड़े होकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं कि नहीं, हम मुसलमानों इकट्ठा हो जाए, कासिम का डर वहां पर दिखाया जाता है, हमने क्या ओवैसी का समर्थन किया, कासिम का डर दिखाया जाता है, हमने तब यहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्या जाती है, तब हेट स्पीच कहां जाती है, धर्म के आधार पर किसी हत्यारे का, किसी आतंकवादी का, जब उनके भाई की उनके भाई के खुतबे होते हैं और उस तरीके से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बातें की जाती है, तब वहां पर कहा जाता है, तब हेड स्पीच किधर जाती है। ठीक है, एक सेकंड, यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, एक सेकंड, एक सेकंड, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, तब आपका, ठीक है, यासिर जिलानी, उसके बाद असीम वकार, यासिर जिलानी, उसके बाद असीम वकार, यासिर जिलानी। सचिन जी, सचिन देखिए जब इनसे सवाल कीजिए, आप देखिए, हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वो इतना खूबसूरत है कि आप अपनी बात ताकत से रखते हैं, लेकिन आप इन पे अगर कोई प्रहार कीजिए तो ये हमले करवाते हैं, ये उस तरह के लोग हैं। और इनसे जब भी सवाल कीजिए कि जब ये इनके नेता आप इनके हैदराबाद, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, तो सभ्य लोगों के ऊपर भी हमले करवाते हैं भाटी साहब। अच्छा, आप कम से कम इस तरह की बात मत करिए। मथुरा आप भूल गए, मथुरा में राम वृक्ष यादव मार दिया गया था। आप इस तरह देखिए, अपराध को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, अपराध को कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, इंसानियत की बात कीजिए, भारत में इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस तरह की उन्मादी बात कम से कम जैन सिन्हा को समझाओ, ये बात जैन सिन्हा गिरिराज सिंह को समझाओ, हमें समझाने की जरूरत नहीं, हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, अरे सरकार को देखिए, जो भी गलत कर रहा है विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, ये जैन सिन्हा को और गिरिराज सिंह को समझाओ, आप विश्वास, मानवता की बात है, गिरिराज सिंह को और जैन सिन्हा को पढ़ाओ, उन्होंने कोई किताब मानवता की पढ़ी नहीं है, पर्टिकुलर बार बार सामने लाते हो, क्योंकि आपको समझाइए फायदा है, धर्मनिरपेक्षता सेलेक्टिव इसलिए कब हो जाती है जब रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती है, जब दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी और यहाँ पर क्योंकि मुहर्रम भी साथ पड़ रहा है, तब उस तरीके की बातें हो जाती हैं, तब ये कम्युनल हार्मनी नहीं नजर आती है, जिसको जो कम्युनल हार्मनी अपने तरीके की अपने धर्म के हिसाब से सूट करती है वो उसी कम्युनल हार्मनी को उठा लेता है। ठीक है असीम वकार, एक से ठीक है, अभी जी इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है असीम वकार, जो यासिर जिलानी ने कहा, असीम वकार, ओके, कूट कूट के भरी है। देखिए यासिर जिलानी ने कहा कि आगरा में एक एसपी मारा जाता है, और यासिर जिलानी ये भूल गए, भाटी साहब शायद उनको याद नहीं रहा कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एक डीएम की आंख फोड़ दी थी, दंगे में आंख फोड़ दी थी, वो आज भी उनकी आंख फूटी हुई है। दूसरी बात मैं बताऊँ आपसे, विजय शंकर तिवारी बैठे हैं, मैं विजय शंकर तिवारी जी से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी आइडियोलॉजी से हिंदुओं के बच्चों को बजाय इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के
बजाय आईएएस आईपीएस बनाने के आप लोग उनके हाथों में तलवार दराती गड़ासा चापड़ थमाए दे रहे हैं, आप उन्हें आतंकवादी बनाए दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चैनल पर जवाब जरूर दीजिएगा, क्या आप अपने बेटे के हाथ में तलवार आतंकवादी बनाए कराएंगे? अगर इस तरह की चीज आप मॉब लिंचिंग कराएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कर रहा हूँ सर, आप लोग पूरे हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों को आप लोग आतंकवादी बना दे रहे हैं। देखो वकार तरीका होता है, आप जिस पार्टी के, मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने बेटे से जिसको 1947 आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों का छोटा भाई अपना सच जानने के बजाय कम से कम अपने बेटे को चाहते हैं कि वो आपके मकान भी नहीं बच सकते और अभी दुबे भी नहीं बच सकते। एक बात समझ से मैं पूछ रहा हूँ सचिन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप पैरवी कर रहे हैं तो आप जैन सिन्हा से पूछिएगा कि मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, अगर पैरवी कर रहा होता तो सवाल ही ना उठाता। मैं तो कह रहा हूँ कि अपने 2019 का सपना देख रहे हैं, उस पर इनके मंत्री ग्रैंड लगा रहे हैं, अपराधियों से मिल रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो राजनीति है, राजनीति नहीं, राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं। लेकिन सवाल मैं ये भी पूछता हूं, कि मॉब लिंचिंग में सिर्फ कासिम का नाम लेकर के मुस्लिमों को डरा दिया जाता है तो बाकी हिंदू किधर जाते हैं? असम का जिक्र क्यों नहीं आता है? यही मैं भाटी साहब से जिक्र कर रहा हूं, यही जिक्र मैं अबे दुबे से कर रहा हूं। चेक करो, देखो मेरी आवाज आ रही है, बताओ जरा, सवाल कर देखो। हाँ देखिए, सबसे पहली बात है, 49 वर्षों में कांग्रेस जो देश को नहीं दे पाई, वो 4 वर्षों में उम्मीद पैदा करने का काम किया है नरेंद्र मोदी। लेकिन ये जो रास्ता है, अगर आधिकारिक तौर पर गोरक्षकों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने 2 अवसरों पर कड़ी चेतावनी दी है, फिर भी गुजरात में उनके कुछ नेताओं के जिस तरह के बयान चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं, कैमरामैन लेकर जैन सिन्हा के पास भेजिए, पूछिए कि अगर ये बहुत अच्छा काम है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप होकर के विभिन्न तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने कर दिया है, तो मैं सोचता हूं आने वाले समय में अलग अलग मिलिशियाज होंगे, अलग अलग जो आर्मीज होंगी, ये किस तरीके का हिंदुस्तान हम देख रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस पर देश में जरूर चिंतन होना चाहिए, और कम से कम सत्तारूढ़ दल कि जो भूमिका है और जो जिम्मेवारियां हैं और जो 2019 के राजीव रंजन पर ये समझ तो नहीं आ रहा ना इनको, अगर समझ में आ रहा होता तो जिस तरीके की मॉब लिंचिंग या जिस तरीके की पॉलिटिक्स से चल रही है तो वो तो अब तक बंद हो चुकी होती, अगर प्रधानमंत्री की बात समझ आ रही है। यही तो साफ नजर आ रहा है, बंद होने की बजाय यहां पर ये और शायद इन्हीं बाकी पार्टीज को भी इसलिए अपीजमेंट का ये साफ मौका। अगर पार्टी का आधिकारिक लाइन विकास है, देश के समक्ष जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना करना है, तो फिर ये विभाजित हिंदुस्तान क्यों दिखना चाहता है? अगर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर अगर नरेंद्र मोदी जी और पार्टी का चिंतन स्पष्ट अगर हो जाए तो मैं समझता हूं तभी आलोक मेहता, फिर उसके बाद आप दुबे, ठीक है सिंह साहब, आपके पास भी इसकी वजह क्या लगती है? जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें लगता है कि जैन सिन्हा जी को, गिरिराज जी को लगता है कि इसी तरह से वोट मिलेगा, वो ये भूल जाते हैं। सर मैं गुजारिश फिर कर रहा हूँ अरोड़ा जी, मेरी बात तो सुनिए, ये लोग खाली सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, और मुझे लगता है कि हो सकता है इनका टिकट कट रहा हो, अगली बार टिकट न मिले तो सोचते होंगे कि मैं जितना ज्यादा ऐसे लोगों से कट्टरपंथी से जुड़ जाऊंगा तो शायद हमें समर्थन मिले। लेकिन ये पूरे समाज का, सरकार दोनों को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं वो शायद कोई और नहीं पहुंचा सकता। जो कट्टरपंथी तत्व है, अपराधी जिसको कहते हैं हम लोग, ये उनको सजा हो, यही कर्तव्य सबका है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। वही सरकार के लोग बैठे यदि अपराधियों को इतना ज्यादा समर्थन देंगे तो उसके बाद ऐसा लगता है कि वो केवल अपने लिए एक आत्मघाती कदम उठा रहे हैं और पूरे समाज के लिए उठा रहे हैं। सरकार के लिए भी उठा। क्या लगता है सिंह साहब, आपको क्या लगता है? तमाम पार्टियों को आपने यहाँ पर सुना अब तक की डिबेट में, कोई कम से कम इस जवाबदेही से बच सकता है? एक सेकंड अबे दुबे जी, आपके पास वापिस आ रहा हूँ, ये मेरा सवाल सिंह साहब से, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मजहबो मिल्लत के ऊपर जो बातें शुरू हो जाती हैं, इससे ये साबित होता है कि एक के ऊपर दूसरा इल्ज़ाम तराशी और दूसरा दूसरे को इल्ज़ाम तराशी। बात सिर्फ ये है कि आप तो ये कहते हैं, हमारा कल्चर ये कहता है, मजहब मिल्लत की बात ही छोड़ दिए, हमारा कल्चर ह्यूमैनिटी की बात करता है।
हमारा मतलब ये कहता है कि मानस की जात सब एक ही पहचान भाव, हमारा मतलब कहता है एक नूर से सब जगह उपजे, कौन भले कौन मंदे, लेकर ख्याल छोड़िए इन चीजों का। सवाल ये होता है कि इसका ऊपर लॉ एंड ऑर्डर ऊपर क्या असर होता है। आप देखिए, आपने लिंचिंग शुरू की, एक दो तीन जगह कुछ अटैक हुए, पिछले दिनों में रेप का केस हुआ, बहुत सीरियस केस हुआ, लड़की को मार दिया गया जम्मू में, वहां पे ये सवाल फिर हम सर हो गया कि ये मुस्लिम लड़की है, ये हिंदू आदमी ने मारा, वहां हिंदू मुस्लिम का सवाल करके उसको बढ़ावा दे दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर को एक तरफ तोड़ मोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद किसी और जगह पे चले जाइए, बाहर आते हैं सड़कों पे आ जाते हैं कि ये हमारी जो चीज़ है ये पद्मावती नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे आप आके स्कूल की बस के ऊपर अटैक करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की एक ही तई फेर देते हैं, फिर लूज हो जाता है। कऊ की बात होती है, गाय की बात है तो गाय विजिलेंट पे जाते हैं, आप उनको मार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक पुलिस इन्फोर्समेंट का काम नहीं रह गया, लॉ एंड ऑर्डर हर आदमी जो आदमी चाहे एग्जैक्टली और यहीं से कहना कि अबे दुबे जी और इस तरीके के बयान आना, भले यहाँ पर जनसेना का उनसे मिलना, गिरिराज सिंह का मिलना या उससे पहले भी जो मैं तमाम तरीके की चीजें आपको गिनवाई, वो भले कांग्रेस की रिजीम हो, यूपीए की रिजीम हो, इस तरह की बातें आना, फिर इसका मतलब राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति होती ना सर, तभी ये सब कुछ हो रहा है, जो पहले भी नहीं रुका, अब से बाद भी नहीं रुक रहा। अबे दुबे, यहां से 20 सेकंड में सबका दूंगा अबे दुबे, क्योंकि वक्त ही कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि विकासों की उम्मीद के आधार पर चुनाव लड़के आई भारतीय जनता पार्टी ने उन्माद में इस देश को बदल दिया। और ये क्यों किया जा रहा है नियोजित रूप से, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री सख्ती से पहले दिन निर्णायक कार्रवाई ले लेते तो आज ये रुक जाता, मगर उनकी सहभागिता और सहमति है, इसलिए है कि ऐसे मंत्री जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया हो और इस घृणित कार्य को करे, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रधानमंत्री जी से सहमति के बगैर किया हो। गिरिराज जी निरंतर आज की बात है, कालांतर से वो अपने ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, अभी सिंह साहब एक निष्पक्ष व्यक्ति हमारे पैनल में बैठे हैं, उन्होंने दो उदाहरण दिए भीड़ के, उन्माद के, दोनों के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस थी। अगर जम्मू कश्मीर में भी बलात्कारियों को बचाने के लिए सड़कों पर अगर लोग उतरे तो उनमें भारतीय जनता पार्टी अजमेर नहीं कहा, मंत्री अजमेर याद नहीं रहे थे, अजमेर याद नहीं रहा उनको, नेतृत्व कर रहे थे यहां पर, आप भी सर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पदमावती को भी अगर तू नहीं याद नहीं रहा के मुख्यमंत्री ने नाव में तो सिंह साहब आपको अजमेर याद नहीं रहा, वोट पे साफ है लेने आपको अजमेर याद नहीं रहा, पदमावती नहीं दिखाई जाएगी। तो इस तरह की भीड़ के उन्माद को वो भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, आरएसएस करती है, विश्व हिंदू परिषद करती है, समाजवादी पार्टी के लोग पार्टियां नहीं करती, हम कभी छुपाने काम करते रहते हैं। मेरे पास वक्त पहले ही ऑलरेडी ओवर हो चुका है। आलोक मेहता जी, अभी तो 2019 का अभी तो यूं कहें कि ट्रेलर भी पूरा नहीं आया, ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको लगता है कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ बाकी रह जाएगा? 10 सेकंड, आज अपने तमाम पार्टियों को सुन लिया, हमें तो सब एक साथ है सर। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दल, चाहे वो एक समुदाय के लिए हो, एक जाति के लिए हो, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र में जैसा अभी कहा गया, आज भी फैसला किया गया सब एक साथ चुनाव हो, तो इसकी जल्दबाजी में कहीं आप ऐसा आत्मघाती काम ना करें जो पूरे समाज को बांटे। और चुनाव का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने विकास और लोगों को जो दे सकते हैं, जो आगे भविष्य की उम्मीद जगा सकते हैं, उसके लिए काम करें। और ऐसे अपराधियों पर यदि कोई मंत्री करता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, वक्त इतना ही है। ताल टोके में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इस चर्चा के लिए।